आज अलवर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मेरे साथ युवा भाई मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राजेश गुजर। राजेश गुजर जी, अब की बार अलवर के जो गुजर समाज के लोग हैं वो भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ? भाई सीधा साधा फंडा, सीधा भाजपा सरकार, इसके अलावा ना कोई है ना रगों में। भाई भाजपा सरकार भर रही है, भाजपा इसलिए भर रही है ना, हमें कोई हमको राष्ट्रीय कोई इस स्तर पे नहीं जाना चाहते, इस स्तर पे बोलना नहीं चाहते कि हमें बीजेपी कांग्रेस नहीं। भाई हमें पसंद है भाई भारत का भविष्य सुधरे, और वो भाई भाजपा सरकार सुधार रही है। और भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, कौन सा गाँव है आपका? सोएटा मुंडावर से। सोएटा मुंडावर से। मुंडावर से जो विधायक है ललित यादव, वो अभी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ रहे हैं, तो आप किस तरफ जाएंगे? हम भूपेंद्र यादव के साथ। कारण भूपेंद्र यादव जाने का? वो बीजेपी की तरफ से हैं। बीजेपी है। अच्छा एक बात बताइए राजेश भाई, कोई घूटी उटी तो नहीं देते रोजिना बीजेपी वाले आपको? यार भाई घूटी दे रहे ना। कौन सी घूटी दे दी? घूटी दे रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की घूटी दे रहे हैं, और वो घूटी हमेशा रोज एक एक बूंद लेते रहेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, और जब तक हमारे एक भारत है ना जो एक विकासशील लगा हुआ है ना वो हट जाए, बस विकसित हो जाए। विकसित होना चाहिए। आपको लगता है नरेंद्र मोदी ही विकसित करेंगे? विकसित करेंगे भाई, विकसित इसलिए करेंगे ना कि भाई एक तो पूरा का पूरा हर राज्य में हर पूरा का पूरा जो देश है वो एक सही दिशा की ओर जा रहा है। पहली बात तो ये कि वो एक हाई लेवल की उनकी सोच है जो थोड़ी ऊंची है, और दूसरी बात क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि भाई जो हमारा देश कोई आपातकालीन स्थिति में अमेरिका के पास जाए। नहीं, अमेरिका खुद आए ना भाई, भारत हमारी मदद करो। आप ये चाहते हो कि भारत मुकदम खुद बने? खुद बने भाई, देश जो नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, इनके पास असली लड़ाई आप कहते हो लंबरदारी भारत के पास रहे, होनी चाहिए। और भी मेरे साथ युवा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? राजेंद्र कुमार खैरतल। राजेंद्र कुमार खैरतल से। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर खैरतल जिला घोषित कराया कांग्रेस पार्टी ने, तो अलवर लोकसभा चुनाव में किसे वोट करोगे? सर कांग्रेस को। कारण कांग्रेस को वोट देने का? इसलिए सर कि अपने भूपेंद्र यादव सर ये है सर बाहर का। बाहर का है। हाँ, और दूसरी बात सर अपने जो ललित यादव ये अपने लोकल है, अपने कोई बात होगा क्योंकि अपने महंत चांदनाथ भी अपने सांसद रहे थे, बालकनाथ भी सांसद रहे थे, वो भी यानी कि 5 साल तक वो दिखे, फिर बाद में भी पता नहीं सांसद भी है कि ना हो रहे, इसलिए हम सब लोकल को सपोर्ट करेंगे। अगर ललित यादव चुनाव जीत जाते हैं अलवर से तो कौन कौन से कार्य आप कराओगे? सर वो कार्य सर होगा या नहीं होगा सर वो तो सरकार को डिपेंड करेगी, कोई बजट देगी नहीं नहीं देगी। बजट तो जो सांसद कोटे का होता है वो तो पूरा मिलेगा ना, वो सब मुश्किल देते हैं सब सरकार। और मेरे साथ युवा मौजूद है सर, नाम जानना चाहेंगे हम आपका। अमित गुजर, मिलकपुर गुजर गाँव। मिलकपुर से, भिवाड़ी से। और हम बात करें मिलकपुर भिवाड़ी की, तो भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने जो अपनी पहली सभा की शुरुआत की थी वो बाबा मोहन राम मंदिर, मिलकपुर गांव का जो मंदिर है वहां से यात्रा शुरू की थी लोकसभा चुनाव 2024 की, और वहां से यात्रा कर जो पहाड़ी पर मिलकपुर के अंदर बाबा मोहन राम का मंदिर है वहां तक वो पैदल गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो रैली मैंने कवर की थी। अमित, नाम बताया आपने, वोट किसे करोगे? बीजेपी। कारण बीजेपी को वोट करने का? कारण ये है कि मतलब जो मैन है ना जो ऊपर वाले, हम तो उस पर ही डिपेंड करेंगे, और भूपेंद्र यादव और ये ललित यादव ये भी हमारे मतलब पड़ोस के ही हैं, भूपेंद्र तो चलो बाहर का है, लेकिन एक मत कहता है कि हम ललित यादव को वो करें। अब की बार मूड क्या बनाया अंतिम में? अभी तो मैंने तो देखो कोई मूड नहीं बनाया। चलो तो ये थे मेरे साथ युवा भाई, जिनकी आवाज़ हमने अपने चैनल NKRJ भारत न्यूज पर आप सबको पहुँचाई। अब मिलेंगे अगले किसी गांव में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।